एक बढ़िया वीडियो लिखे दोस्तों। आपकी ज्ञान और प्रॉफिट बनाने का मोटिव हम आपके साथ बनाए रखेंगे आपका। तो दोस्ती, क्या आप जानते हैं कि आपका पैसा ज्यादा बनाने के लिए आपको किस शेयर में इन्वेस्टमेंट करना होगा? दोस्तों आज मौका दे रहे हैं आपको फिर से एक ऐसे शेयर में आपको जानने का कि उस शेयर में आपका पैसा दुगना बनता चलेगा हर साल। तो दोस्तों चलिए उस शेयर के बारे में जानते हैं कि क्या वो शेयर आपको पैसा देगा क्या। तो दोस्तों हम अभी बात करने वाले कैसे हम ऐसे शेयर के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों जो कि एनबीएफसी शेयर सेक्टर से रिलेट करता है, जो कि बहुत बड़ी कंपनी तो हुई नहीं थी दोस्तों, मगर धीरे धीरे अपना पकड़ जमाने में, अपनी कामयाबी दिखाने में ये कसर नहीं छोड़ रही है। कंपनी का नाम है दोस्तों मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, जो कि बहुत आसानी से अपना प्रॉफिट बनाते दिख रही है मार्केट में। क्या दोस्तों ये आने वाले दिनों में अपना प्रॉफिट का जो लेवल अभी बना के रखिए, वैसा बना के देखें क्या जो इन्वेस्टर इसमें बने हुए उनका प्रॉफिट बनेगा क्या, जैसे अभी हो रहा है क्या दोस्तों? ये डिविडेंड देती है क्या? इसका ईपीएस अच्छा है क्या दोस्तों? इसका पी अच्छा है? इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है? सब आज बातें जानेंगे दोस्तों। और आपका आने वाले समय में अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर बनते हो तो आपका प्रॉफिट बनेगा कि नहीं, इसमें ये सब बातें जानेंगे। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे और जानेंगे उसकी सब बातें कि आने वाले टारगेट हमें क्या मिल सकते हैं टेक्निकल पे। दोस्तों अभी हम आए टेक्निकल चार्ट पे। दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे हमें जो दिख रहा है बहुत ही अच्छे पैटर्न्स और बहुत ही अच्छे नज़ारे यहाँ पे हमको दिख रहे हैं दोस्तों। थोड़ा सा पिछले समय में चले गए क्या दोस्तों? ये शेयर आपको आने वाले दिनों में अच्छा प्रॉफिट देगा क्या दोस्तों? हमने लगभग आपको ये जो लेवल दिया था हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में तीन महीने पहले की बात है दोस्तों, हमने उसको 126 पे आपको बाइंग के लिए कहा था दोस्तों, 126 के लिए। आज देख सकते हैं मार्केट 176 पे ट्रेड कर रहा है दोस्तों, लगभग 50 रुपये का प्रॉफिट आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो दोस्तों ये तो टेक्निकल की बात नहीं है, जो हमने आपको बताया था उसके साथ में आपको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, जो कि व्हाट्सअप ग्रुप में बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट कमाया, उन्होंने हमें मैसेज भी भेजे थैंक यू का। तो दोस्तों ये तो बात हो गई प्रॉफिट पार्ट की, मगर दोस्तों ये अब तक को नहीं पता थी, अब तक तो आपको पता नहीं थी कि आने वाले दिनों में हमको प्रॉफिट कमाने का मौका मिलेगा क्या। सर आपके जहन में ऐसा सवाल उठ रहा होगा, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से उनका जो लेवल देख रहे आप, उस तरह से क्या प्रॉफिट बनेगा? देखिए दोस्तों, या आप उसको थोड़ा पीछे चलेंगे, 7-10 साल पीछे चलेंगे दोस्तों, उनका लेवल आपको समझ आएगा। देखिए दोस्तों लगभग हम अक्टूबर नवंबर 2018 में देख सकते हैं उसका लेवल लगभग 70 के आसपास था दोस्तों। आप यहां से देख सकते हैं लेवल कहां पे आपका रुका हुआ है, 174-176 के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है फिलहाल। तो दोस्तों आपको ये ट्रेंड समझ में आया होगा किस तरह से यहाँ पे प्रॉफिट बन रहा है मार्केट का और किस तरह से आपका प्रॉफिट बनेगा। तो दोस्तों थोड़ा सा और पीछे चलते हैं ट्रेड में टेक्निकल चार्ट पे और जानेंगे किस तरह से इसने जो अपना ग्रोथ है किस तरह से बनाए रखा और किस तरह से अपना जो मार्केट में वजूद है उसको दिखाने में कामयाबी इनके हासिल आई है हाथे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा पीछे चलेंगे तो देखेंगे 2016 के लगभग ये शेयर आप देख सकते हैं दोस्तों लगभग 20 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो दोस्तों ये 3 साल में इतना बढ़िया इतना प्रॉफिट दे चुका है लोगों को कि शायद कोई सोच सकता है इतना क्या प्रॉफिट कमाने का बढ़िया मौका मिल सकता है क्या दोस्तों? यहाँ पे आपने देखा लगभग मार्केट 20-25 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था 2016 में। तो दोस्तों आने वाले दिनों में कितना ट्रेड हो सकता है इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों। अगर यहाँ से किसी ने 3 साल में लिया होगा तो उसका प्रॉफिट जिस तरह से बना है दोस्तों, आप सोच नहीं सकते किस तरह से प्रॉफिट बना है दोस्तों। आज भी देखा जाए 1 साल के तुलना में देखा जाए तो लगभग इसने 100% का प्रॉफिट ऑलरेडी दे चुका है दोस्तों, 100% का प्रॉफिट ऑलरेडी दे चुका है। तो दोस्तों क्या आने वाले दिनों में इसकी मायनों में हमें टेक्निकली देखा जाए तो इससे आगे के लेवल देखने मिल सकते हैं कि दोस्तों? ये तो हाँ ना की बात है, आपका डिसीजन आपका ओन रहेगा, मगर दोस्तों हमें ये शेयर बढ़िया लग रहा है, इसमें आपका टेक्निकली हिसाब से जाना बहुत ही बढ़िया लग सकता है दोस्तों। मगर थोड़ा सा इसमें दिक्कतें क्या हो सकती है, यहाँ से थोड़ा सा शेयर नीचे आ सकता है, 160 का लेवल पे आ सकता है, 150 के लेवल पे आ सकता है, मगर दोस्तों इसके नीचे आना उसका संभव नहीं है। देखिए दोस्तों मैंने पॉसिबिलिटीज़ नहीं बताई है, मैं सपोर्ट और लेवल के ऊपर काम करने वाला, रेजिस्टेंस के ऊपर काम करने वाला बंदा हूँ। तो आपका प्रॉफिट बनाने के लिए आपको ये बातें समझनी बहुत ज़रूरी है। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है दोस्तों? जिसमें मार्केट चलता है उसको ब्रेक करने के बाद एक तो लॉस होता है या फिर प्रॉफिट बन जाता है। तो दोस्तों आपको ये बातें समझनी बहुत ज़रूरी है जिस तरह से आपको हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहे हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई, आपको टेक्निकल की बातें समझ गई होगी। तो चलिए दोस्तों उसके बारे में बहुत कुछ बातें बताएंगे अभी, किस तरह से ये डिविडेंड देता है और कितने परसेंटेज में डिविडेंड देता है साल में।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से इसने डे ट्रेडिंग की हुई है। देखिए दोस्तों 176.40 पैसे पे मार्केट ट्रेड कर रहा था आज का, लगभग 3.80 रुपये ऊपर चढ़ चुका था, 2.20% ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा था दोस्तों। अगर देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया इसका एवरेज रेशो चल रहा है दोस्तों। अभी बात करेंगे हम दोस्तों ईपीएस की। दोस्तों ईपीएस देखिए कितना है इसका, 11.62 है। इसका पी देखिए दोस्तों 15.18 का है दोस्तों। बढ़िया सबसे बात रही है इसमें कि इसकी ईपीएस अच्छी है। दोस्तों कैपिटल की बात की जाती है, यहाँ पे कैपिटल आप देख सकते हो 14,905 करोड़ का। यहाँ पे उन कैपिटल दोस्तों डिविडेंडेशन देखिए उनका क्या दर रहते हैं दोस्तों, 100% का डिविडेंड। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ आपको दिखाई कि उनका पी रेशियो क्या है। देखिए दोस्तों यहाँ पे उनका स्टैंड लोन उनका जो पी है देखिए 15.18 का है। उसके बाद देखेंगे कंसोलिडेटेड का ये 12.68 का है दोस्तों, जो कि लगभग बहुत ही अच्छा है। इस मायने से देखा जाए कि शेयर जिस तरह से होले होले ग्रोथ करा है, जिस तरह से आपको बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों इस शेयर में अगर आपको एक ग्रोथ दिख रही है तो। किसी शेयर में आपको ग्रोथ दिखती है तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, जो इंसान अपना पैसा इन्वेस्ट करता है उसको। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलते हैं और जानेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे डिलीवर्स कितने हैं, 23.75 यहाँ पे डिलीवर्स है दोस्तों, जो कि बहुत ही बढ़िया है दोस्तों आज के डेट में। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन भी है, मन्ना बोरो फाइनेंस क्लोजेस अबाउ 30 डे मूविंग एवरेज 162.65 टूडे डिसम्बर 11। देखिए दोस्तों यहाँ पे 30 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड कर रहा, तो मतलब आज के डेट में आज देखा जाए तो 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ये ट्रेड शेयर ट्रेड ऊपर कर रहा है। तो दोस्तों यह तो हो गई बात, मगर दोस्तों उसका जो रिटर्न देने का तरीका है दोस्तों आप देख सकते हैं, 1 वीक्स में उसने 2.29 का उसने रिटर्न दिया है, 1 मंथ में उसने दोस्तों 10% और 11% का रिटर्न दिया है, 3 महीनों में देख सकते हैं दोस्तों आप उनका जो 1 क्वार्टर का रिजल्ट रहता है उस समय, उसके बदौलत उन्होंने 31.45% का एक रिटर्न दिया है, जो कि रिजल्ट अच्छा आता है तो दोस्तों रिटर्न भी अच्छा आएगा। देखिए 6 मंथ जो कि क्वार्टरली 2 रिजल्ट के साथ चलेंगे तो दोस्तों देख सकते हैं आप 34.35 का यहाँ पे उनका रिटर्न दिया है उन्होंने 6 महीने में। फिर दोस्तों जैसे कि मैंने कहा था 1 साल में लगभग उन्होंने कितना दिया है, 100% का उन्होंने रिटर्न दिया है, तो यहाँ पे आपको प्रूफ के साथ दिख रहा होगा 97.87% का उनका यहाँ पे ईयरली ग्रोथ है। दोस्तों बहुत ही बढ़िया शेयर है, इस शेयर में आपका पैसा तो ज़रूर बनेगा। थोड़ा आगे चलते और दोस्तों जानेंगे इसमें जो हमें ज़रूरी बात देखनी होती है दोस्तों, वो होता है उसका डिविडेंड देने का तरीका। देखिए दोस्तों कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो डिविडेंड देगी, डिविडेंड देती है तो मतलब कंपनी का प्रॉफिट रेंज अच्छा है, प्रॉफिट रेंज अच्छा है मतलब कंपनी का ग्रोथ अच्छा है, कंपनी का ग्रोथ अच्छा है मतलब जो लोग इन्वेस्टर है उनका प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा है, उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ते जा रहा है। तो दोस्तों ये बात हमें डिविडेंड से पता चलती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम डिविडेंड के बारे में थोड़ा सा जानेंगे ज़रूर, किस तरह से उनको डिविडेंड देने में ये कंपनी काम करती है। देखिए दोस्तों साल भर में ये कंपनी लगभग 52% के 53% के लगभग उन्होंने प्रॉफिट दिया है। इंटरिम प्रॉफिट देखिए दोस्तों 27.50 पैसा, एक नवंबर में दिया था, एक अगस्त में दिया था, अगस्त 23 में दिया था 27 रुपये का, फिर उसके 27% का, उसके बाद नवंबर में दिया 27% का, जो कि दोस्तों 53% के लगभग उनका 55% के लगभग उनका ये डिविडेंड मिलता है ईयरली। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया इनका जो प्रॉफिट रेशियो है देने का, डिविडेंड देने का तरीका है बहुत ही अच्छा है। क्या दोस्तों आने वाले दिनों में इसी तरह से आपको डिविडेंड मिलता रहेगा क्या? दोस्तों ये तो बात हो गई, उनका डिविडेंड देने का तरीका बहुत ही अच्छा रहता है दोस्तों। अगर आप ये सोच रहे दोस्तों मैंने इसमें पैसा नहीं लगाया, शायद कहीं मेरी आँखें चूक गई क्या, ये शेयर मेरे से चूक गया क्या, देखिए दोस्तों यहाँ पे आपके एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करता है, आप किस तरह से मार्केट को देख रहे, आपको किस में पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, रियल इस्टेट में करना चाहते, या फिर आप बैंकिंग में करना चाहते, या फिर आप किसी अलग मेटल सेक्टर में कर, दोस्तों आपका जो एनालिसिस होता है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है आपको पैसा किस में इन्वेस्ट करना है। दोस्तों देखिए हर एक सेक्टर में अलग अलग कंपनियाँ हैं, अलग अलग कंपनियाँ में बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जो कि बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट देती है, और कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं कि जो प्रॉफिट में नहीं है, जो कि आपको लॉस मेकिंग कंपनी दिख रही है। दोस्तों बहुत सारी ऐसी बात है जो कि सामने आती है, जो कि पता होनी चाहिए, जो कि नहीं पता होनी चाहिए वो भी सामने आती है, और जो नहीं होनी चाहिए वो भी सामने आ जाती है व्हेन यू डूइंग एनालिसिस, बिकॉज एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट, विद अदरवाइज यू डोंट डू एनालिसिस यू विल गेट अ लॉस इन अ शेयर मार्केट। तो आपको ये बात समझनी है दोस्तों, अगर शेयर मार्केट में एनालिसिस नहीं करेंगे तो आपका प्रॉफिट
नहीं होगा, आपका लॉस ही होगा। तो दोस्तों ये तो हो गई उनकी थोड़ी सी जानकारी डिविडेंड के बारे में। दोस्तों हम थोड़ी सी बात करेंगे अभी फाइनेंशियल के बारे में। देखिए दोस्तों उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या रहता है अभी, देखिए हम स्टैंडर्ड एंड कंसोलिडेटेड के हिसाब से बात करेंगे दोस्तों। ये तो ईयरली करना पड़ेगा हमें ना, देखिए ईयरली करते हैं यहाँ पे, देखिए ईयरली कर दिया दोस्तों यहाँ पे मार्च 2019 और मार्च 2018, दो साल एक साल में का जो डिफरेंस है उसमें कितना इनमें बदलाव आया है इनके फाइनेंस में वो देखेंगे दोस्तों। ये लगभग देख सकते हैं दोस्तों आप यहाँ पे 2018 में था उनका इनकम था दोस्तों 2928 का, फिर वही इनकम उनका बढ़ गया 2019 मार्च में 3418 करोड़ का। वही कंसोलिडेट की बात की जाए तो दोस्तों 3423 करोड़ का उनका कंसोलिडेट प्रॉफिट था 2018 में, और वही कंसोलिडेट की बात की जाए 2019 में तो दोस्तों 4116 का प्रॉफिट रहा था। दोस्तों बहुत ही बढ़िया इनका जो इनकम ग्रोथ दिखा है वहाँ पे बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों थोड़ी सी बात करेंगे उनके एक्सपेंडिचर के बारे में। एक्सपेंडिचर 2018 में स्टैंड लोन के थे दोस्तों 1092 करोड़, फिर थोड़ी सी 19 की बात करेंगे 1191 करोड़ वो थे 2019 मार्च में थे। तो दोस्तों थोड़ा सा कंसोलिडेट में देखते दोस्तों 1431 करोड़ उनका कंसोलिडेटेड एक्सपेंडिचर था, फिर वही बात 2019 में देखेंगे दोस्तों तो 1432 करोड़ का उनका कंसोलिडेटेड एक्सपेंडिचर था। दोस्तों लगभग वहाँ पे सेम रेशो दिखने मिलेगा आपको, एक्सपेंडिचर में ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं करता, ज़्यादा प्रॉफिट पे निर्भर रहते हैं ये लोग। थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं उनका जो इंटरेस्ट इनकम है दोस्तों वो बहुत ही बढ़िया रहता है, जो कि इनका जो इनकम है दोस्तों वो माध्यम है उनका इंटरेस्ट का। तो थोड़ा सा आगे चलते हुए देखते हैं दोस्तों यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल देखिए दोस्तों जो कि कम नहीं हुआ है, एज इट इज़ सेम टू सेम ट्रेड हो रहा है। 2019 में 168.56 का उनका इक्विटी शेयर कैपिटल था, जो कि 2018 में 168.51 का था। थोड़ा सा दोस्तों इसमें बढ़ोतरी दिख रही है हमें यहाँ पे। तो दोस्तों इक्विटी डिविडेंड रेट क्या है, देखिए 100% था 2018 में, और 2019 में दोस्तों 110%, मतलब इसमें थोड़ी सी ग्रोथ दिख रही है। तो ये तो हो गई दोस्तों फाइनेंस की बातें, हम थोड़ी सी बातें करेंगे अभी उनकी बैलेंस शीट की। देखिए दोस्तों उनका जो शेयर होल्डर फंड्स है, देखिए दोस्तों मैंने जैसे कहा उनका बहुत ही बढ़िया ग्रोथ चलता रहता है। देखिए यहाँ पे 2018-2019 की बात हो रही है, 2018 में उनका 3812 उनका शेयर होल्डर फंड्स था, और अभी की बात की जाए मार्च 2019 की 4392 करोड़ का उनका शेयर होल्डर फंड है। इक्विटी शेयर कैपिटल दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन मनी अभी भी पड़ा हुआ है 3.18 करोड़ का है दोस्तों, जो कि अभी भी एक कंपनी के लिए बेनिफिट माना जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा बात करें हम एसेट की, तो एसेट का तो हम विश्लेषण करेंगे, मगर उसके पहले उसके ऊपर करंट लाइबिलिटी कितनी है और नॉन करंट लाइबिलिटी कितनी है। देखिए दोस्तों यहाँ पे नॉन करंट लाइबिलिटी 2018 में 10,330 था, वही जाके 2019 में बढ़ गई दोस्तों 12,877 करोड़ उनके ऊपर नॉन करंट लाइबिलिटी बन गई, जो कि बहुत ही बड़ा एक रेशो बन के निकल के आया है। तो वही दोस्तों करंट लाइबिलिटी में देखेंगे 449.96 करोड़ की उनके ऊपर 2018 में करंट लाइबिलिटी थी, और अभी की बात की जाए तो दोस्तों 376.39 करोड़ की उनकी करंट लाइबिलिटी है। दोस्तों सही मायने में देखा जाए तो उनके पास जो उनकी करंट लाइबिलिटी उन्होंने कम कर दी है, जो कि बहुत ही एक अच्छा रेशियो निकल के आ रहा है इस शेयर के लिए, इस कंपनी के लिए, मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड के लिए। दोस्तों हम थोड़ी सी बात करेंगे उनके एसेट के बारे में। नॉन करंट एसेट देखेंगे दोस्तों किस तरह से उनकी बढ़ोतरी हुई है। देखिए नॉन करंट एसेट पहले लगभग 500 करोड़ था, उसके बाद 2019 में देखेंगे दोस्तों 612 करोड़, जो कि बहुत ही बढ़िया एक ग्रोथ दिख रही है। करंट एसेट देख सकते हैं दोस्तों जो कि 14,000 करोड़ थी 2018 में, वही 2019 में बन गई 217,000 करोड़ की, जो कि बहुत ही बढ़िया एक रेशो था दोस्तों, जिसके कारण इस शेयर में एक लेवल बन के आया, और एक करंट एसेट होने के कारण, इनके पास ये लिक्विडिटी होने के कारण ये शेयर दौड़ लगाने में कामयाब हो गया। दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आप 2953 का उनका इनकम था 2018 में, वही देखेंगे 3427 उन्होंने इनकम की। फिर एक्सपेंसेस देखेंगे दोस्तों, हर समय आपको एक्सपेंसेस भी दिख रही होगी और इनकम भी दिख रही होगी, उसमें थोड़ा सा बदलाव दिख रहा है। एक्सपेंसेस भी बढ़ी है तो उनकी इनकम भी बढ़ी है। तो दोस्तों आपका बिजनेस बढ़ाना है तो आपको आपके हर चीज़ में बढ़ोतरी दिखानी पड़ती है।
दोस्तों शेयर की इन्फॉर्मेशन आपके सामने पूरा रख दिया है दोस्तों, आपको किस तरह से इसमें प्रॉफिट कमाना है नहीं कमाना है यह आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। एनालिसिस कीजिए, आपके नज़र से कोई शेयर नहीं चुकेगा क्योंकि दोस्तों आपको हमेशा मार्केट में स्टडी करना है। अगर स्टडी करते रहेंगे दोस्तों आपका प्रॉफिट ज़रूर बनेगा। दोस्तों आप चाहते हैं शेयर में बनना तो आप बनिए, आपका एनालिसिस अच्छा कीजिए, आपका टेक्निकल एक्सपर्टाइजेशन अच्छा बनाइए और दोस्तों प्रॉफिट बनाने में पीछे मत रहिए। दोस्तों प्रॉफिट ही सबका बड़ा उद्देश्य रहा है मार्केट में, जिसके कारण मार्केट में बहुत सारे लोग आते हैं और कुछ लोग फेडअप होकर चले जाते हैं। दोस्तों क्या होता है मार्केट में, सबसे बड़ा बात होती है दोस्तों एनालिसिस, जो आपके पास है आप पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।